गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का न्यू टॉपिक है हमारा हेमेटिनिक्स, है ना। प्रीवियस क्लास में अपन लोगों ने स्टेजेंट के बारे में डिस्कस किया था, स्टेजेंट के डिटेल्स लिए थे। आज का अपना टॉपिक है हेमेटिनिक्स, है ना। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट हेमेटिनिक्स, टर्मिनोलॉजी का मीनिंग्स क्या है हेमेटिनिक्स। तो हेमेटिनिक्स इज न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस। मीन्स एक प्रोसेस है हेमेटिनिक्स रिक्वायर्ड। अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस होता है ना, फ्लूड्स है एक, है ना। उसी प्रकार ब्लड के अंदर ही एक मेन न्यूट्रिएंट्स होता है हीमोग्लोबिन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स का है जिसका। तो हेमेटिनिक एक प्रकार से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। जनरल टर्म था न्यूट्रिएंट्स में, अपन न्यूट्रिशंस की बात करते हैं, कौन से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो इंक्लूडेड आयरन, जिसमें से आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन 12 रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन। ये तीनों जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, मेन जो कंपोजिशन है बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या करते हैं, आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन 12, ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ब्लड सेल्स, जो ब्लड है उसकी सेल को डेवलपमेंट करते हैं इन बोन मैरो, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस। अगर इन केस ऑफ इनका डिफिशियंसी हो जाता है, कमी हो जाती है, आयरन की कमी, फोलिक एसिड की कमी या विटामिन B12 की कमी होती है, दिस मे कॉज रिजल्ट इन एनीमिया। उससे क्या होता है, एनीमिया अक्सर महिलाओं में देखा जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें एनीमिया हो जाता है, क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। तो एनीमिया के कारण तो बहुत सारी डिसीज हो जाती हैं, मतलब सॉरी ब्लड के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ब्लड के कारण। तो इसमें मेन डिसीज क्या होती है आपकी, एनीमिया। तो मेन हेमेटिनिक्स में अगर हम वर्ड हेमेटिनिक्स की बात करें कि मेन वर्ड का मतलब क्या हेमेटिनिक्स, तो विच कंटेन आयरन, विटामिन 12 एंड फोलिक एसिड, है ना। तो हेमेटिनिक वर्ड का मतलब होता है विच कंटेन आयरन, जिसके अंदर आयरन होगा, विटामिन B12 होगी और फोलिक एसिड होगा, वो हेमेटिनिक्स। तो हेमेटिनिक्स आर सबस्टेंस रिक्वायर्ड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड यूज द ट्रीटमेंट है एनीमिया। एनीमिया अकर्स, कब एनीमिया हो जाता है, व्हेन द बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, है ना। जब हमारा ब्लड के अंदर RBC रेड ब्लड की कमी हो जाती है तो भी एनीमिया का कारण हो सकता है। दूसरा, ब्लड लॉस एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट मतलब होता है तुरंत, क्रोनिक मतलब लंबे समय से अगर ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी के अंदर, तो ब्लड लॉसेस होता है उस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। इम्पेयर्ड रेड ब्लड सेल फार्मेशन, आपके बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का फार्मेशन नहीं हो पा रहा, उस कंडीशन में भी इम्पेयरमेंट आ रेड कॉजेज ऑफ एनीमिया। डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल फैक्टर और भी हो सकते हैं, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है, जिसको बोलते हैं हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, दिस इज नोन एज द, जिसको हम अक्सर बोन मैरो डिप्रेशन बोलते हैं। इरिथ्रोपोएटिन डिफिशियंसी होती है, एरिथ्रोपोइट्स जो होती है उसके अंदर भी कि डिफिशियंसी से भी कॉजेस हो सकता है। इंक्रीज द डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC हीमोलाइटिक एनीमिया। अगर हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है RBC का, रेड ब्लड सेल्स का, उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। अगर बोन मैरो डिप्रेशन से, तो उसको बोलते हैं हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। और नॉर्मल एनीमिया के हमने देखा कि क्या क्या मेजर फैक्टर्स हो सकते, क्या कारण हो सकते हैं, ब्लड लॉसेस हो सकता है, जिसको एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट मतलब होता है तुरंत, है ना, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम से। विटामिन B12 की कमी हो सकती है, फोलिक एसिड, जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं आ रहा है। विटामिन B12, इन सभी की डिफिशियंसी हो जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हेमेटोपोइसिस की बात कर रहे थे, कि हेमेटोपोइसिस नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होता है, नहीं आ रहा है, बोलिए। मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही है? आ रही है सर, लो आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। आ रही है सर, अच्छा सभी को कम आ रही है या बाकी लोगों को? सर लो आ रही है थोड़ी, कम आ रही है सर। हैं चल रहा है सर, आवाज आ रही है बट लो आ रही है सर। हाँ सर, हाँ हेलो, अभी आ रही है क्या? यस सर, यस सर, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है सर।
कंटिन्यू कीजिए सर। हेलो आ रही है क्या अभी? यस सर आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है, ठीक है ओके चलते। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेमेटोपोइसिस, जो टर्मिनोलॉजी यूज किया है उस हेमेटोपोइसिस टर्मिनोलॉजी का मेन मतलब क्या होता है। तो द प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स फॉर अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल इज कॉल्ड द हेमेटोपोइसिस। मतलब अब आप देखे होगा कि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डेली पढ़ रहे हैं, है ना, ल्यूकेमिया एरिथ्रोसाइट्स होगी, मतलब आपके ब्लड के कंपोनेंट्स जो होते हैं ब्लड क्लॉट्स में जनरली आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, है ना, उनके अंदर भी बेसोफिल इसनोफिल से प्लेटलेट्स एरिथ्रोसाइट्स है ना लिखो। तो जब ल्यूकेमिया हो जाती है लॉसेस ऑफ ब्लड के अंदर जो फॉर्मेशंस होता है ब्लड के अंदर ल्यूकेमिया कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स है ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स फ्रॉम द अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल। स्टेम सेल्स क्या होती है? जो ग्रो डेवलपमेंट करती ग्रोथ करती है। अपन देखा होगा एक ही जैसा दूसरा सेल, जैसे आप देखते हो टीवी ओवी में क्लोन तैयार हो जाता है ना, एक क्लोन से दूसरी क्लोन तैयार हो, उसी प्रकार सेल का जो डेवलपमेंट होता है ग्रोथ के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट करते हैं, उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। रिक्वायर्ड उसके लिए एक मेन क्या कंपोनेंट कौन से जरूरी है? आयरन, ठीक है, फॉर हीमोग्लोबिन, आयरन में हीमोग्लोबिन, साथ साथ फोलिक एसिड भी जरूरी है और विटामिन बी12 होती है। अब एनीमिया के केसेस हमने बता दिया कि एनीमिया के ये बहुत सारी केसेस हो सकती है, लेकिन एनीमिया होने पर क्या हो सकता है? डिक्रीज द कैपेसिटी जैसे आरबीसी, ठीक है, कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू, कॉज ब्लड लॉस हो सकता है, इम्पेयर आरबीसी का फंक्शन, जो आरबीसी रेड ब्लड का फंक्शन होता है, जो रेड ब्लड के कार्य होते हैं वर्क होते हैं वो इम्पेयर हो सकता है ड्यू टू डिफिशियंसी के कारण, मतलब एनीमिया के कारण आरबीसी का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो सकता, ब्लड लॉस हो जाता है, डिक्रीज आरबीसी की कैपेसिटी हो जाती है, ऑक्सीजन इन टिश्यू, ये आपका मेन फैक्टर होता है एनीमिया के लिए, ठीक है। आगे ये देखिए सर डिफरेंट टाइप्स है, ये फॉर्मेशन अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, है ना, ये एनीमिया में यूज होते हैं, ये जैसे सिरप के फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट एनीमिया की कमी होती है, टेबलेट्स आती हैं, हेमेटिड कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा कुछ प्रिपरेशंस हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो हमारे एनीमिक पेशेंट को दिए जाते हैं, ना। हिमेटिनिक्स क्या होता है अल्सो एक बार और निर्दिगत कर देते हैं, दीज आर सबस्टेंस। तो अब ये सारे क्या है हमारे, देखिए हिमेटिनिक्स है, ये सभी हिमेटिनिक्स है। तो इनका क्या फंक्शन है, ये क्या वर्क करते हैं, क्यों हम इनको देते हैं, टेबलेट है, कैप्सूल फॉर्म में है, सिरप फॉर्म में है, सस्पेंशन फॉर्म में है, ये हम क्यों देते हैं इसका मेन। दीज आर द सबस्टेंस रिक्वायर्ड द फार्मेशन ऑफ ब्लड, मतलब जो फार्मेशन ब्लड नहीं बन रहा है या प्रोसेस कम हो गई है, ऐसा नहीं कि सिरप ये डालने के ब्लड बहुत ज़्यादा बनेगा, ऐसा नहीं, मतलब किसी प्रोसेस से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं बॉडी के अंदर जिसके थ्रू ब्लड नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं प्रमोटर के काम करते हैं, या डिफिशेंसी है तो ये टॉनिक्स जो हैं ये सिरप जो हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं और उसको प्रमोट कहता है। दीज सबस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द फार्मेशन ऑफ ब्लड्स एंड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ब्लड की कंडीशन इम्प्रूव कर देते हैं, आल्सो कॉल्ड हिमेटिनिक्स एजेंट एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को क्या करते हैं स्टिमुलेट कर देते हैं, ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ब्लड के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो उसको भी क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आयरन, इसमें से मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा? आयरन, आयरन एसेंशियल मिनरल, बहुत जरूरी तत्व है ना, पोषक तत्व है या रिक्वायरमेंट एलिमेंट्स है, रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत जरूरी, मस्ट ऑफ द आयरन इन द बॉडी फ्रॉम द ब्लड सेल के रेड ब्लड सेल के रूप में रहता है। आगे हम देखते हैं ये सारी प्रिपरेशन है ना, तो छोटे जिंको फार करके आती है, कोलेस्ट्रिनको हेमेटिनिक्स है, जिनको फॉर्मेट कैप्सूल्स आता है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट। तो आयरन कितना चाहिए, मेन कंपोनेंट्स क्या था हमारा? आयरन है ना। तो और भी कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल जरूरी है? आयरन हैज ए लॉन्ग बीन कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी है ना, लौना भस्म, अगर हम प्राचीन काल में बात करते हैं जो प्रिपरेशन होता है ना, तो उसमें कहता है लौवा भस्म, इसमें क्या बोलते हैं कैल्सिनेटेड आयरन होता है, हैज बीन यूज्ड इन द, मतलब जैसे कहते हैं ना पहले आयुर्वेद शास्त्र था है ना, चाइनीज सभ्यता थी, चाइनीज मेडिसिन थे,
यूनानी थे, आज भी चल रहे हैं, तो आयुर्वेदा शास्त्र में पुराने में जो आयुर्वेद प्रिपरेशन होते हैं उसमें ये वर्ड यूज करते हैं। आप लोग सुटिक्स में पढ़ेंगे कुछ प्रिपरेशन है ना, जिसमें कहता हैज बीन यूज एंशियंट इंडियन मेडिसिन, प्राचीन भारत की जो मेडिसिन थी, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक थॉट मास, मास के हिसाब से है ना, ग्रीक थॉट, जैसे मास इज द गॉड ऑफ द स्ट्रेंथ एंड आयरन इज डेडिकेटेड टू द मास के लिए डेडिकेटेड, such as iron was used in the treat weakness के लिए, which common in the anemia. अब अपन बात करते हैं normal distribution कितना होता है, hemoglobin का 66% होता है, iron is stored in ferritin and hemosiderin के form में, storage मतलब हमारे body के अंदर iron किस form में storage होता है, तो store ferritin के form में या hemosiderin के form में 25% store होता है, मायोग्लोबिन इन मसल्स में, ठीक है, मायोग्लोबिन जिसको बोलते हैं 3%, एंड पैरेंकाइमल्स, पैरेंकाइमल्स आयरन इन एंजाइमेटिक, जैसे एक पैरेंकाइमेटिक एंजाइम रहते हैं, एंजाइमेटिक फॉर्म में 6% ये आयरन होता है, तो ये बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नेम से, ठीक है। आगे देखते हैं डेली रिक्वायरमेंट्स, अगर आयरन की बात करते हैं, मेक गुड एवरेज डेली लॉस इन आयरन रिक्वायरमेंट, एडल्ट मेल के लिए 0.5 से 1 mg 30 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से चाहिए, एडल्ट फीमेल्स के लिए 1.2 mg, एडल्ट फीमेल्स के लिए ज़्यादा आयरन की जरूरत पड़ती है 21 माइक्रोग्राम पर केजी है ना, ये कहता है मेंसुरेटिंग के लिए, ठीक है। इन्फेंट्स के लिए और चिल्ड्रेन छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनसे बड़े 60 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से, और चिल्ड्रेन के लिए 25 माइक्रोग्राम पर केजी के लिए। इन प्रेगनेंसी केस में आयरन का लॉस होता है ना, उसके मतलब कि ब्लड का लॉस होता है तो आयरन भी जाएगा, तो प्रेगनेंसी केस में 3-5 mg मतलब 80 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से रिक्वायरमेंट होता है डेली। और भी देखो हीमोग्लोबिन से ने बताया था, और भी कुछ पे है ना, एडल्ट हो गया, एडल्ट फीमेल, ये कंपाइल में आप देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन 66 में, आयरन स्टोर फेरेटिन में 25%, मायोग्लोबिन ये 6 एडल्ट मेल में इतना, एडल्ट फीमेल्स में, इन्फेंट्स में 1 kg और प्रेगनेंस में, ये आपके बॉडी के अंदर कितना रिक्वायरमेंट्स है मेल के लिए, फीमेल्स के लिए, चाइल्ड्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए, प्रेगनेंसी केस के लिए, और किस फॉर्म में आयरन कितने चाहिए, ये आपका डोज है, ठीक है। क्लासिफिकेशन आयरन के लिए, अगर हम क्लासिफिकेशंस करते हैं कि आयरन की कमी हो गई है तो क्या आयरन देंगे डायरेक्ट, नहीं, किस फॉर्म में जनरली देते हैं, तो फेरस सक्सिनेट, फेरस सल्फेट एंड फेरस ग्लूकोनेट के फॉर्म में, ये हमारे कंपाउंड्स हैं जो जिसको बारे में आगे डिस्कस करेंगे, इस फॉर्म में हम आयरन देते हैं जब डिफिशियंसी होती है। मैचुरेशन फैक्टर्स में साइनोकोवैलामिन भी देखते हैं है ना, विटामिन में साइनोकोवैलामिन, हाइड्रोक्सीकोवैलामिन, मिसलेनियस के लिए कापर्स देते हैं, कापर सल्फेट सोल्यूशन देते हैं, कोबाल्ट एंड राइबोफ्लाविन, ये विटामिन से, ठीक है, कुछ विटामिन भी देते हैं, ठीक है, ये मैचुरेशन फैक्टर्स के लिए। लेकिन डिफिशियंट आयरन मेन कंपोनेंट्स आयरन का कहाँ से मिलता है, तो फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट्स एंड फेरस सक्सिनेट, ठीक है। मिसलेनियस क्या है सर, मिसलेनियस और भी चीजें जो जरूरत है, मिसलेनियस मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और भी जो चाहिए थी उसको बोलते हैं मिसलेनियस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक थॉट मेन गॉड स्ट्रेंथ आयरन इज डेडिकेटेड टू सोर्स ऑफ आयरन, कहां से सोर्स मेन आयरन को होगा, रिच लिवर, एग ऑल, ड्राई बीन, ड्राई फ्रूट्स, मीडियम में, रिच में मेजर ज्यादा, मीडियम में मीट में, चिकन, फिश, बनाना, एप्पल, मतलब आयरन किस में ज्यादा पाया जाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आयरन पुअर में बहुत कम मात्रा में मिल्क प्रोडक्ट में भी पाया जाता है, मीडियम में मीट में, चिकन, फिश, बनाना, एप्पल्स में, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट्स हमने बता दिया है ना, ये आपको कितना कितना आयरन चाहिए और उसके सोर्स क्या। अब अपन बात करते हैं आयरन ये डायटरी सोर्स में, ये तो हो गया आयरन का मेन डिफिशियंसी ड्यू टू द आयरन, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी अगर से होगा मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, लॉस ऑफ कॉग्निशन है ना, इसको बोलते हैं एट्रस फेरनेमिया, इनेबिलिटी टू द रिलीज आयरन फ्रॉम द ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन फॉर्म में होता है, तो ये एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि इसको बोलते हैं कॉग्निशियल एट्रेंस फेरेनेमिया, इसको बोलते हैं इनएबिलिटी टू रिलीज आयरन फ्रॉम द ट्रांसफेरिंस। आयरन इज द इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ द हीम इन अकर्स इन द बॉडीज, ये सारे
फंक्शन से और करता क्या है, और भी देखो, वन पर्सन एंजाइमेटिक सर, तो सेकंड पॉइंट सर समझाइए सर, लॉस ऑफ कंजेनिटल, ये कहता है इनएबिलिटी टू रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम द ट्रांसफेरिन, जैसे हमने कहा कि स्टोरेज जो आयरन होता है यहाँ पे ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, आपको यहाँ बताया ना ये आयरन स्टोर द फेरेटिन, ये फेरेटिन और ट्रांसफेरिन आगे मैकेनिज्म है, आगे आएगी स्लाइड वहां पे बताएंगे, डायग्राम में वो क्लियर करेंगे, अभी डायग्राम आएगा वो क्लियर करेंगे ये डायग्राम में, ठीक है, आगे आने दो भी बताएंगे डायग्राम की, है ना। ये कहता है कि इंटीग्रल्स, ये कहता है इनएबिलिटी, एबिलिटी नहीं, रिलीज आयरन फ्रॉम द ट्रांसफेरिन, मतलब जो आयरन का कन्वर्जन होता है, आयरन का जो कन्वर्जन हो उसकी बात कर रहे हैं, इंटीग्रल कंपोनेंट हीम इन अकर्स, आगे और भी बताएंगे, साइटोक्रोम चेन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ट्रांसपोर्ट चेन्स कैटालाइज में पैराऑक्सीडेज में, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर, जो ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं उस एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए 1% एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। 3% मायोग्लोबिन्स के लिए, जैसे हमने याद हो कि जब हम पढ़ा रहे थे साइनाइड ट्रोजन, वहाँ पर सोडियम नाइट्रो क्या बोलता है, हीमोग्लोबिन्स को मायोग्लोबिन्स में कन्वर्ट करता था, फिर वो साइनोग्लोबिन साइनाइड के साथ साइनोग्लोबिन होता था, वो कंबाइन करके साइनाइड अलग कर देता, तो वही है मायोग्लोबिन, हीम आयरन के पार्ट हैं जो उसका कन्वर्जन होता है, जैसे हमने कहा एंजाइमेटिक फॉर्म में भी रहेगा एंजाइम सीरीज में, ठीक है, हीमोग्लोबिन्स में। उसके बाद ये देखो 25% फेरिटीन एंड हीमोसिड्रिन्स के फॉर्म में रहता है, ये मतलब मैकेनिज्म है आयरन आपके बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, फिर उसके बाद उसका कन्वर्जन कहाँ होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और रिलीज कैसे होता है, ये आपके आयरन की, मतलब आयरन आपके बॉडी में किस पोजीशन पे, किस पार्ट में, किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ये इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये हुआ ये डायग्राम जो आप बोल रहे थे, ठीक, ये देखिए, जैसे ये डाइटेरी सोर्स हो गए फेरिक आयंस, हमने वहाँ पे भी देखा होगा, याद हो जब साइनाइड पॉइजनिंग बता रहे थे तो हीमोग्लोबिन जो भी साइनाइड होता तब फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होके फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, फेरिक टू फेरस, तो यहाँ पे डाइटेरी सोर्स में आयरन है, हीम है, अब ये म्यूकोजल सेल, हमने अभी पिछली स्लाइड में बताया था म्यूकोजल सेल, ये आपका, तो ये यहाँ पे एसिड फेरिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब ये फेरेटिन्स, ये देखो ये आयरन का जो कन्वर्जन होता है, स्टोरेज होगा और रिलीज होगा, ठीक है, अब ये आरई सेल्स होता है, फेरेटिन होता है, आयरन स्टोर होगा यहाँ पे, प्लाज्मा होगा, फेरिक टू फेरस, फेरस टू फेरिक में कन्वर्जन होगा, फिर ये दोनों फॉर्म में होगा, इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी होगा, टी एफ आर और टी एफ होते, देखो ट्रांसपोर्ट में टी एफ आर, इसको बोलते हैं ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, और दूसरा होता है टी एफ, उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसफेरेटिन, ठीक है, ये दोनों शॉर्ट में दिखा, ट्रांसफेरेटिन और ट्रांसफेरिन, तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए है, तो हम ये आपको डायग्राम बनाए, अब आपको बताते हैं कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, फिर स्टोरेज कहाँ होगा और रिलीज कैसे होगा, आप पहले इसको देखिए, पहला है आयरन का एब्जॉर्प्शन, ऑल एब्जॉर्प्शन अकर ऑल ओवर द इंटेस्टाइन में, मेनली इंटेस्टाइन में, इन द स्टमक कंटेनिंग एच सी एल रिड्यूस एजेंट्स एंड कन्वर्ट द फेरिक टू द फेरस फॉर्म, यहाँ पे जो बोला था फेरिक टू से फेरस फॉर्म में कन्वर्जन होता है। टू सेपरेट आयरन ट्रांसपोर्ट, दो मैकेनिज्म रहती है सेपरेट अलग अलग, एक होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल फंक्शन इफेक्ट इन द आयरन, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल, ठीक है, ये म्यूकोजल सेल है, म्यूकोजल फंक्शन इंटेस्टाइन के अंदर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू सेपरेट आयरन ट्रांसपोर्ट होगा, एक इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल फंक्शन, वो क्या कहेगा, इफेक्ट ऑन द आयरन के एब्जॉर्प्शन, दूसरा एट ए ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ल्यूमिनल ल्यूमिन्स ल्यूमिन्स होता है, अब आप बॉडी के जी आई टी पार्ट्स में एपीएससी में इसको डिटेल पढ़ लेना है ना, हमारा यहाँ पे थोड़ा सा हम आउटलाइन बता रहे हैं, हमारा काम है सिर्फ ड्रग को बताना, लेकिन हम थोड़ा सा आपको ये आउटलाइन कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह से होता, बाकी आपको डिटेल बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ लेंगे डिटेल में, तो यहाँ पे है द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, ल्यूमिन्स डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है, कैरियस फेरस आयरन इन टू द म्यूकोजल, कैरियस करता है वहाँ से ले लेगा फेरस आयरन को, जो फेरिक टू फेरस में कन्वर्ट होगा उसको ले लेगा, अब उसके बाद क्या बनेगा, फेरोपोर्टीन्स ये बाउंड कर दा, फेरस आयन जो बनेगा उसको ये बाइंड कर लेगा, आपस में मिक्सर कर लेगा, एंड पास होगा म्यूकोजल सेल, म्यूकोजल सेल से
प्लस कर देगा डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वो कहाँ पहुंच जाएगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। अब ये कहता है कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे आपके एड्सॉर्प्शन से, इसमें बोलते हैं एकोलोहाइड्रिया, एल्कलाइन पीएच, प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ द टेट्रासाइक्लिन एंड फास्फेट। इसीलिए कहते हैं कभी कभी कि मिल्क के साथ टेट्रासाइक्लिन आपको नहीं देते, नहीं तो टेरेटोजेनिसिटी काज कर देता, दांत में इन्फेक्टेड है। तो ये सारे एब्जॉर्प्शन एकोलोहाइड्रिया, एल्कलाइन पीएच, प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक और कॉम्प्लेक्स विद टेट्रासाइक्लिन और फास्फेट, ये एब्जॉर्प्शन के फैक्टर है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद डायटेरी आयरन, ये जो बताए थे प्लाज्मा फेरिक, फेरस टू फेरिक और फेरस टू फेरिक, फेरस इसमें होता है, ठीक है, ये रेड सेल्स हो गई फेरेटिन के फॉर्म में, फेरेटिन जब हमने स्टार्टिंग बताया कि फेरेटिन के फॉर्म में आयरन स्टोर होता है, ठीक है, फेरेटिन के फॉर्म में आयरन स्टोर होगा। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज एंड एक्सक्रिएशन, स्टोर हो गया एक्सक्रिएशन, सच एज एंटायर प्लाज्मा इमीडिएटली कन्वर्टेड टू द फेरिक फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसफेरेटिन, ठीक है, ये टी एफ आर और ये में कन्वर्ट कर देगा। आगे देखें ये कहता है एज ए इंट्रे प्लाज्मा इमीडिएटली तुरंत इंटर हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक से कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स में, जिसको बोलते हैं टी एफ ट्रांसफेरिन। आयरन ट्रांसपोर्ट होगा फिर इंटू द एरिथ्रोपोएटिक सेल्स, जो आपकी सेल होती है एरिथ्रोपोएटिक्स, अदर सेल थ्रू द अटैचमेंट ऑफ ट्रांसफेरिन, है ना, ट्रांसफेरिन से अटैच हो जाएगा और आकर के एरिथ्रोपोएटिक्स में ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब वो आगे की ओर भेजता जाएगा। आगे कहाँ जाएगा, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड टू द ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, और वो जाकर के ट्रांसफेरिन एक रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, टी एफ आर एस से बाइंड अप हो जाएगा। ये यहाँ ये रिसेप्टर, ये साइन जो होते हैं ना वो रिसेप्टर के होते हैं, ये टी एफ है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से बाइंड हो गया, तो इसका बोलते हैं ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, ठीक है, ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से जाकर के ये बाइंड हो जाता है। द कॉम्प्लेक्स इनगोल्फ बाय रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, अब ये प्रोसेस होती है आगे के लिए, कॉम्प्लेक्स इनगल्फ कर लेना, ले लेना, इनगल्फिंग मतलब जैसे बोलते लील जाना है ना, ले लेगा आगे अंदर की ओर, और क्या कहता है मेडिएट एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। फिर उसके बाद आयरन का डिसोसिएट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स विथ एसिडिक पीएच में आप इंट्रासेलुलर वेसिकल्स, देन रिलीज आयरन, जितना आयरन आपको चाहिए वहां से रिलीज होता रहेगा, ठीक है, फॉर द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस और अदर पर्पस, मतलब अब स्टोरेज है, अब उस स्टोरेज से जितना आयरन चाहिए वो धीरे धीरे फिर क्या होता है रिलीज होता रहता है, जितना कम जरूरत यूटिलाइजेशन के लिए हीमोग्लोबिन सिंथेसिस करने के लिए और अदर कोई भी पर्पस है उसके लिए। टी एफ ट्रांसफेरिन और ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जो होगा दोनों रिसेप्टर टर्न टू सेल सरफेस कैरी द फ्रेश लोड लोडिंग, ठीक है, सेल सरफेस पे आएंगे और कैरी करेंगे फ्रेश लोडिंग, वहां पे जाकर के क्या करेंगे दोनों को इकट्ठा करते रहेंगे, दोनों इकट्ठा होता जाएगा, मतलब वहां पे स्टोरेज करके ट्रांस स्टोर रहेगा और वहां से ट्रांसफर, ये एरिथ्रोपोएटिक सेल का प्रिकर्सर है, हीमोग्लोबिन से या फेरिक से फेरस आयन, ये दोनों से रिसेप्टर टी एफ आर से रिसेप्टर से बाइंड अप हो गए आ जाएंगे। ये देखिए प्लाज्मा के अंदर ये फेरस है कन्वर्ट हुआ फेरिक फॉर्म में, उसके बाद टी एफ ट्रांसफेरिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट चेन इस तरह से आगे में रेगुलेट्स होती रहती है। स्टोरेज के बाद रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल इन लीवर कहाँ होगा, स्प्लीन, बोन मैरो एंड हिपेटोसाइट्स एंड माइकोसाइट्स में, यहाँ पे स्टोरेज हो जाएगा, मतलब आयरन का जहाँ पे फेरोटिन फॉर्म में रहता है, लेकिन कहाँ पे हो सकता है, हमने मेन कौन सा इसका मेजर सोर्स क्या है, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड हिपेटोसाइट्स या मायोसाइट्स, यहाँ पे स्टोरेज होगा। उसके बाद जैसे हमने कहा जितना जीरो रिक्वायर्ड होता है यूटिलाइजेशन होगा चलता जाएगा, ठीक है, एक्सक्रेशन डेली एक्सक्रेटेड अडल्ट मिल्क के हिसाब से एक अडल्ट वयस्क मनुष्य में 0.5 से 1 mg मेनली म्यूकोजल सेल सम आरबीसीएल एंड बाइल फ्रॉम द फेसिस के थ्रू, इतना आयरन डेली एक्सक्रिएटेड भी होगा। अदर रूट्स भी हो सकते हैं आयरन को एक्सक्रिएटेड करने के लिए, स्किन हो सकता है, वेरी लिटिल यूरिन एंड स्वीट ग्लैंड्स, मतलब पसीने के थ्रू हो सकता है, आपके यूरिन के थ्रू हो सकता है, स्किन के थ्रू हो सकता है,
ये भी रूट्स हो सकते हैं, साथ साथ म्यूकोजल सेल भी हो सकता है, सम आरबीसी बाइल साल्ट में हो सकता है और फेसेस के थ्रू, ये आपका आयरन का एक्सक्रिएशन भी होता रहता है, ठीक है। मेंसुरेशन, वोमेन में मेंसुरेशन साइकिल्स होती है मंथली, एक महीने में एक बार जो मेंसुरेशन साइकिल्स होती है उसमें भी आयरन क्या होगा, लॉसेस होगा, एक्सक्रिएट आउट, ऐसा नहीं एक्सक्रिएटेड आउट होता है, फिर फॉर्मेशन भी होता है, न्यू भी बनता है, इसलिए मेंसुरेशन में जो कहते हैं ना कि जो ब्लड की ऐसे सिंपल बात में कहते हो कि जो गंदगी होती है ब्लड्स की वो क्या होता है बाहर चली जाती, मतलब की होता है हीमोग्लोबिन आयरन की, तो इस तरह से एक प्रोसेस होती है मेंसुरेशन साइकिल से, वो आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। हमारा यह मतलब है कि ब्लड्स जो होता है आयरन यहाँ से भी लॉस होता है, कभी कभी ज़्यादा अगर मेंसुरेशन साइकिल्स हो रही है या ब्लडिंग ज़्यादा होती है तो भी उसमें केसेस में चक्कर आने लगता है या एब्डोमिन पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी वोमेंस को बहुत दिक्कतें होती हैं, है ना। तो ये मेन है आपकी आयरन का एक्सक्रिएशन किस तरह होता है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, नोसिया वोमिटिंग हो सकती है, स्टेनिंग ऑफ द टीथ हो सकती है, मेटेलिक टेस्ट हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन, ये सारे एडवर्स इफेक्ट हैं, मतलब ये सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। प्रिपरेशन एंड डोज, कैसे कैसे हम इसकी कमी को पूरा करते हैं, तो कौन कौन से प्रिपरेशन देते हैं, फेरस सक्सिनेट, आयरन कोलिन सिट्रेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट देते हैं, फेरिक ग्लूकोनेट और फेरस फ्यूमरेट, मतलब ये कुछ आयरन के प्रिपरेशन हैं जो हमने सिरप टेबलेट कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं, ये सारे प्रिपरेशन को हम देते हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए। थेरेपिक यूजेस में आयरन डेफिशिएंसी एनेमिया में मेगोब्लास्टिक एनेमिया है एंड एस्ट्रोजेंट भी देते हैं, फेरिक क्लोराइड यूज इन द थ्रोट पेन के रूप में फेरिक क्लोराइड देते हैं, ठीक है। साथ साथ जैसे आपने बोला था मिसलेनियस बर्ड का यूज किया, मिसलेनियस बर्ड मतलब होता है कि जो मेन प्रिपरेशन है तो देते ही है, उसके अलावा और भी एलिमेंट्स या और भी प्रिपरेशन है जो भी देते हैं जिससे आयरन की कमी या फोलिक एसिड या विटामिन की कमी या उनके कंपोजिशन को मिला कर देने से उनकी कमी को पूरी हो जाती है। जैसे कॉपर की बात करते हैं, हीम सिंथेसिस इज द इन्फ्रारेटेड कॉपर डिफिशियंसी, डोज कितना देते हैं 0.5 कॉपर सल्फेट, मतलब उनकी कमी में अपन कॉपर सल्फेट भी देते हैं। कोबाल्ट, इट इज स्टिमुलेट द एरिथ्रोफाइसिस है ना ट्रांजेंटली प्रोबली बाय द इंड्यूस द टिश्यू हाइपोक्सिया, इंक्रीज द एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन, राइबोफ्लोबिन, इसके लिए हाइपोप्लास्टिक एनेमिया अकर्स इन द राइबोफ्लोबिन टिप्स, अगर राइबोफ्लोबिन की डिफिशियंसी हो गई है, हाइपोप्लास्टिक एनेमिया हो गई है उसके केस में, मतलब मिसलेनियस प्रोडक्ट भी देते हैं कॉपर कंटेनिंग एजेंट्स जिससे क्या होगा कि डिफिशियंसी पूरी होती है। तो ये हमारा प्रिपरेशन हो गया आयरन के, कुछ आयरन प्रिपरेशन में ओरल देते हैं, ये कुछ है ओरल किस तरह देते हैं ओरल प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये फेरस साल्ट, ये लिखा है फेरा प्रिपरेशन, फेरस साल्ट, आयरन कंटेंट्स इन एक्सेसिव बेटर एब्जॉर्ब फेरिक साल्ट के रूप में, गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, तो लिमिट यूज। फेरस सल्फेट कितना देते हैं देखो 20% हाइड्रेटेड साल्ट एंड ड्राइड साल्ट में 32% और 65, मतलब हाइड्रेटेड मतलब जो वाटर कंटेंट्स होते हैं और ड्राई मतलब सूखा, है ना, सूखे फॉर्म में कितना देते हैं 65 mg, मतलब ओरल प्रिपरेशन अगर ओरली किसी को देना है तो क्या क्या देते हैं, कितनी अमाउंट देते हैं, मतलब कितना डोज देते हैं फेरस सल्फेट में, तो 20% हाइड्रेटेड साल्ट रहता है एंड 32% ड्राई साल्ट, मतलब 65 mg देते हैं आयरन सल्फेट को, मतलब फेरस सल्फेट जिसको बोलते हैं। फेरस ग्लूकोनेट कितना देते हैं 12% आयरन इसमें होता है, मतलब 28 से लेकर 36 mg। फेरस फ्यूमरेट कितना देते हैं, कितना इसका क्वांटिटी 33%, मतलब 106 mg, और कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड है ना, कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड कितना देते हैं 50%, मतलब 150 to 200 mg पर डे, मतलब अगर आपके आयरन की डिफिशियंसी हो गई है तो ये प्रिपरेशन है जिनको हमें देना है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं ओरल, तो ओरल देने के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमोरेट और कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड, सभी के डोज अलग अलग है, फेरस में सल्फेट में 20%, फेरस ग्लूकोनेट में 12%, फेरस फ्यूमोरेट में 33% और कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड में 50% का डोज देते हैं, तो सभी सभी में परसेंटेज के हिसाब से कितनी एमजी,
50% में 150 से 200 mg देंगे, 33% में 106 mg, इस तरह देते हैं। अदर और भी प्रिपरेशन हैं फेरस के, जिसमें से फेरस सक्सीनेट हो गया, आयरन कोलिन सिट्रेट होगा, आयरन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट है, आयरन हाइड्रोक्सी पॉलीमाल्टोज है, लो आयरन कॉन्टेंट्स, और भी प्रिपरेशन है। मतलब ये तो सिंपल आयरन के हो गए फेरस के, फेरस के साथ साथ और भी प्रिपरेशन है जो कंबाइन करके आयरन की डिफिशियंसी को पूरी करने के लिए देते हैं, ठीक है। लो आयरन कॉन्टेंट्स में एक्सपेंसिव में नाउ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट आपने अक्सर देखा होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जब भी कभी भी डाइजेशन भी नहीं होता तब भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट देते हैं, या कभी वीकनेस आती है तो कहते हैं कि है ना विटामिन बी का शुल्क के नाम से आती है कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, जो वही आयरन इन द फोलिक एसिड प्रिपरेशन देते हैं। सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन में, ये सस्टेन रिलीज में अलग अलग प्रिपरेशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कुछ आगे और प्रिपरेशन आयरन ओरल प्रिपरेशन में, कुछ प्रिपरेशन है पैरेंटल, है ना पैरेंटल देते हैं, पैरेंटल मतलब इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। इंजेक्शन के थ्रू में फेलर एब्जॉर्प्शन, जब कभी ओरल किसी भी बॉडी के अंदर मान लें ओरल एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, मतलब ओरल डोज दिया है ना और वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, है ना, या तुरंत फास्ट चाहिए तो फिर हम पैरेंटल देते हैं, पैरेंटल देने से देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं मेल एब्जॉर्प्शन, इन्फ्लामेटरी बोबल डिसीज हो गई है ना, प्रॉक्सिमल स्मॉल बोबल्स में पोस्ट गैस्ट्रोमी हो गई है कंडीशन में, है ना, सेवरल डिफिशियंसी विथ क्रोनिक ब्लीडिंग हो रही है, अदर इंटॉलरेंस नॉन कंप्लायंस इन ओरल आयरन विथ इरिथ्रोपोइटिस, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस है, ठीक है, मतलब कि ओवल डिसीज हो गई है, डिफिशियंसी क्रोनिक ब्लीडिंग लंबे समय से ब्लॉडिंग हो रही है, मेल एब्जॉर्प्शन हो रहा है नॉन, और ओरल जो प्रिपरेशन दे रहे हैं वो कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेट कर रहा है, नहीं हो फायदा कर रहा, सिंपल समय से वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं फिर कुछ पेरेंटल प्रिपरेशन देते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कैलकुलेशन अलग अलग बॉडी के हिसाब से, ऐसा नहीं कि सभी को एक ही डोज, छोटे बच्चों को अलग होगा, एडल्ट का अलग होगा, सभी के डोज के हिसाब से कितना रिक्वायरमेंट है उतना देंगे। तो प्रिपरेशन में क्या होगा, मेन कौन सा देंगे आयरन प्रिपरेशन में, आयरन डेक्सट्रॉन, आयरन डेक्सट्रॉन कोलाइडल सोल्यूशन है 50 mg पर एमएल के हिसाब से देंगे, आयरन सॉर्बिटाल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स एंड सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स इन सुक्रोज के साथ, ये तीन प्रिपरेशन है जो हम पेरेंटल प्रिपरेशन देते हैं, पेरेंटल मतलब इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। तो आयरन डेक्सट्रॉन पहला, आयरन डेक्सट्रॉन दूसरा है, आयरन सॉर्बिटॉल, ठीक है, आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड और सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट, ये तीन प्रिपरेशन कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके, डायरेक्ट नहीं ग्लूकोज के साथ, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट को ग्लूकोज को मिक्स करके फिर उसके बाद इंजेक्शन देते हैं। तो ये आपका पेरेंटल प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। इंट्रामस्कुलर डोज कैसे हो सकता है, इंट्रामस्कुलर है ना टेक्निक्स, डीप ग्लूकोलेटेड रीजन में